हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के आगे पढ़ेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में, डायपोल फील्ड क्या होता है इसके बारे में, डायपोल का सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन दी एक्सियल लाइन, इसको भी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर वापस इस पे आए तो आपको ये जो टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अगला कंसेप्ट है, वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला लेसन, अगला कंसेप्ट, और जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। और आपको बता दूं कि इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग ब्रॉड साइड ऑफ लाइन भी कहते हैं। अगर कहीं पे आप देखो कि ब्रॉड साइड ऑन लाइन दिया हुआ है तो उसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर करेंगे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, ए और बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें ए पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पे प्लस क्यू चार्ज है। इस डायपोल की दूरी जो है, जो डिस्टेंस है, वो 2a हमने लिया हुआ है। क्लियर है, O सेंटर है। इस O से R हाइट पे, यही जो है ना, यही इक्वेटोरियल लाइन है। इस R हाइट पे P पॉइंट पे, मैं यहां पे बता दूं, P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर डायपोल का आप केस है, डायपोल आप पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको निकालने के लिए आपको दो ही कंसेप्टों की जरूरत है। एक द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ और दूसरा द कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है, तो आप वेक्टर से वाकिफ हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, कंसीडर कर लो कि इस पी पॉइंट पे एक प्लस वन चार्ज है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। ये सब चीज कोई नया नहीं बता रहे हैं, बार बार बोल चुके हैं। तो ये क्या है, प्लस वन जो है वो टेस्ट चार्ज है। ये माइनस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पे कौन सा फोर्स लगाएगा, ये देखो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। डायरेक्शनल एरो किधर होगी, तो डायरेक्शनल एरो होगी टुवार्ड ए, पी से ए की तरफ। क्लियर है, तो सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, हम इस इंटेंसिटी को देखिएगा ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूं, हम इस इंटेंसिटी को, ये जो आप देख रहे हो ना, हम इसको सी नाम दे देते हैं, पी सी नाम हो गया, और हम इसको कहेंगे ई वन। क्या बोलेंगे, ई वन। इस E1 के दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा, क्लियर है, याद से समझिएगा, इधर होगा आपका E1 साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है, और इस लाइन पे होगा E1 कॉस थीटा। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखोगे, आगे चलते हैं। अब ये जो प्लस Q है, ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्सिव लगाएगा बाहर की तरफ, तो ये E2 हो गया। अब इस E2 के दो कंपोनेंट होंगे, सिंपल सा चीज है, दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, तो इधर होगा E2 साइन थीटा और इसी लाइन पे होगा E2 कॉस थीटा। ये मैं फिगर से मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है, स्टेटमेंट भी समझाऊंगा, बट पहले फिगर से देख लो कि भाई ऐसा फिगर है। ठीक है, इस तरह से ही बनेगा जैसा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आते हैं वापस टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है ओपी, दिस इज ओ, दिस इज पी आर, ये दिया हुआ है, किसी को कोई एतराज नहीं होगा।
क्लियर है। तो ये जो एपी हो गया ना, अगर आप देखो इक्वेटोरियल लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां हो गया ए, ये तो आर ऑलरेडी गिवन है, यहां पे लिखा हुआ है, ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये वाला जो हो गया ये हाइपोटेनस बन गया, एपी हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस क्या होता है भाई, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए हमने यहां पे लिखा कि एपी जो है वो हाइपोटेनस है और उसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है। हमने यहां पे जैसा फिगर में मार्क करके बताया, हमने लिखा कि ई वन जो है वो इंटेंसिटी है पी पे ड्यू टू माइनस क्यू वन, ठीक है, एट ए। फॉर्मूला सिंपल सा है, लगा देना है, तो फॉर्मूला होगा ई वन बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट, सॉरी 1/4 pi epsilon naught into magnitude of charge upon the square of distance। यहाँ पे simply square ही है, यही value को यहाँ पे रख दिया और this is your equation one। ध्यान से equation one को समझ लेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका equation one, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने represent कर दिया है, मैंने बताया कि ये PC E1 को represent कर रही है, statement में E1 is represented by PC vector। ये वाला एंगल थीटा मतलब पी ए, ठीक है, पी ए बी और पी बी ए, ये दोनों थीटा डिग्री का एंगल है, सेम एंगल होगा, क्लियर है। अब यहां पे जिस तरह से मैंने बताया कि ई वन के दो कंपोनेंट होंगे, एक ई वन कॉस थीटा विच विल एक्ट अलोंग द पी आर, समझ लो मेरी बात, आ रही बात समझ में। और ये जो पी आर है, देखिएगा ध्यान से फिगर से, दिस पी आर इज पैरेलल टू, किसके है पैरेलल, ए बी या बी ए, देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है, और ये वाला लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये हुआ बाबू ए बी, ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे ई वन के दो कंपोनेंट होंगे, ई वन कॉस थीटा जो कि ए बी से इधर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, और ई वन साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर, देखोगे विच इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए बी। सो ई वन कॉस थीटा हो गया पैरेलल और ई वन साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर। फिगर से आप समझ पा रहे हैं कि यहां ई वन साइन थीटा है, यहां ई वन कॉस थीटा है और बीच में ई वन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से यहां से इसकी इंटेंसिटी ई टू, क्लियर है, तो ई टू हो गई इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी। फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा, जो यहां लगा वही इधर लग जाएगा, तो ई टू बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन पी वी का स्क्वायर, पी वी का स्क्वायर। और अगर ये वाला वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये वाला भी तो सेम ही होगा ना, होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमने सीधा वैल्यू को लिख दिया, E2 बराबर 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको मिला E2 बराबर 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिस तरह से E1 के कंपोनेंट हमने तोड़े, यहां पे E2 के भी तोड़ के समझेंगे। अब ये जो E2 है इसको किस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको इस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन PD, क्लियर है, E2 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, ठीक है, PD, देखो ये PD इस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, क्लियर है। बिल्कुल E1 की तरह इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, दोनों कंपोनेंट को मैंने कहा ये वाला बाबू आपका E2 रहा, एक कंपोनेंट इस लाइन पे और एक कंपोनेंट ये, ठीक है। तो हमने लिखा E2 कंपोनेंट E2 cos थीटा, फिर से E2 cos थीटा AB के पैरेलल है, लिख दिया, ठीक है, और E2 sin थीटा जो है वो PF के पैरेलल है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये पॉइंट को क्या लिख देते हैं यहां पे हम लोग, F, छूट गया था, होता है कभी कभी। चलिए आ गई बात समझ में, अब आप इसको, इसको और आप इसको ध्यान से देखें एक बार,
आप देखेंगे कि ये और ये सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है E1 का E2 के बराबर है और वो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर है। अब यहां पे फिगर पे वापस लौटो, देखोगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, एक इधर एक उधर, बता चुके हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और E1 E2 के बराबर है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा विल गेट कैंसिल आउट। समझ में आ रही है बात, क्या होगा यहां पे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा गेट्स कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो खाली किसके कारण मिलेगा, E1 cos E2 cos के कारण मिलेगा। तो रिजल्टेंट E क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा E1 plus E1 cos थीटा plus E2 cos थीटा, ठीक है, सॉरी। सो रिजल्टेंट हो गया आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्लियर है। अब देखो यार cos cos दोनों में कॉमन है और E1 E1 के बराबर है, तो सीधा हमने यहां पे लिख दिया कि E बराबर 2E1 cos थीटा, E बराबर कितना हो गया 2E1 cos थीटा, सीधा सा E1 की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, ये वाली वैल्यू सीधा से यहां से उठाएंगे और इस इक्वेशन में यहां पे क्या करेंगे बैठा देंगे, क्लियर है। तो आपको मिला E बराबर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा, और cos थीटा के लिए फिगर में वापस आएंगे एक बार, cos थीटा के लिए फिगर में वापस आ जाइए, वापस लौटिए। तो देखो इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पी ए और ओ को ध्यान से, इन ट्रायंगल पी ए ओ देख लो आप, तो ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो एओ अपॉन हाइपोटेनस पीए होगा कि नहीं होगा, तो बस यही चीज को यहां पे हमने कॉस थीटा की जगह पे लिख दिया, ओए अपॉन एपी, एओ अपॉन पीए लिखो या ओए अपॉन एपी लिखो, ठीक है। तो यहां पे रख दिया और जिस तरह से वैल्यू थी देख लो, यहां पे ओए ए है और एपी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बाबू, ये वैल्यू यहां पे रख दिया, ध्यान से समझिएगा, 2 फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वन और ये हाफ मिलकर के 3 बाई टू हुआ। तो आपको क्या मिला, आपको मिला ई बराबर, ठीक है, क्यू इंटू टू ए, देखिएगा ये Q और ये इसको साथ में 2A, Q इंटू टू ए अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मैंने बताया एक और आधा 3 बाई टू हो गया, लिख दिया, क्लियर है। यहां तक तो समझ में आ रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक। चलो तो Q इंटू टू ए जानते ही हो, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, डायपोल मोमेंट होता है, पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो अब सीधा Q2A की वैल्यू को P रख देना है, तो आपको E बराबर क्या मिलेगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3 बाई टू, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए वापस फिगर में आओ, डायरेक्शन तो इसी लाइन पर ना दी जाएगी, ये वाला और ये वाला, मतलब E1 साइन और E2 साइन तो कैंसिल हो गया, E1 साइन E2 साइन कैंसिल हो गया, तो डायरेक्शन E1 cos पे दिया जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, PR एंड PR इज पैरेलल टू क्या, डायरेक्शन के लिए क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ई इज पी आर पैरेलल टू द बेस, बेस मतलब डायपोल, डायपोल मतलब बी ए, क्लियर है। याद रखना है डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मैं बार बार बता रहा हूं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या कही थी, मैंने कहा था डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब पी आर के अलोंग, सो पी आर इज पैरेलल टू बी ए, क्लियर है। याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है, इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायपोल मोमेंट, समझ रहे हो मेरी बात को, इस चीज को नोट कर लेंगे। वेक्टर में क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन है, वेक्टर क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव करता है, ठीक है, कैसे, माइनस लगा कर करके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब माइनस होता है, तो बस E बराबर माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3 बाई टू, क्लियर है। अब ध्यान से रखिएगा,
मैंने लिख दिया है बार बार, एक बार और लिख दिया है मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी के अपोजिट होगी। क्लियर है? अगर डायपोल की का डिस्टेंस, डायपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो, आइडियल डायपोल की बात कर रहा हूं, पॉइंट डायपोल की बात कर रहा हूं, अगर ए बहुत छोटा है कंपेरेटिवली टू आर, फिर से अगर ए बहुत छोटा है कंपेरेटिवली टू आर, तो उस केस में ए स्क्वायर बहुत छोटा होगा, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करने के लिए यहां पे इसको जीरो कर देंगे, निगलेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब आर का पावर 3 लिख दिया। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन और द ब्रॉड साइड ऑफ लाइन वो होता है E बराबर P अपॉन 4π ε0 r³। क्लियरली पीछे वाले भी जब हम लोग एक्सियल कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें भी E जो आया था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट क्यूब ऑफ डिस्टेंस के आया था, और यहां पे डिस्टेंस कौन सा, डायपोल का डिस्टेंस नहीं, डायपोल से किस पॉइंट पे है उसका डिस्टेंस। क्लियर है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है p/4π ε0 r³, और E एक्सियल का होता है 2p/4π ε0 r³। अगर हम रेशियो निकालें E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल का, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, सारा कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। आप देखो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सियल के लिए 2p/4π ε0 r³ p/4π ε0 r³, इससे ये कैंसिल, P से P कैंसिल, बचा क्या, तो 2/1। तो याद रखिएगा E एक्सियल अपॉन E इक्विटोरियल जो होता है दिस इज इक्वल टू 2:1, 2:1 के रेशियो में होगा। ठीक है? ये तो हमारा कंसेप्ट नंबर थर्ड था, ये शायद कंसेप्ट थर्ड था। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर के कंसेप्ट 4 को भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसको यहां तक नोट कर लिया जाए और फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया जाए इसको। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट नंबर 4, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अभी तो इक्वेटोरियल हो गया, उसके पहले एक्सियल हो चुका था। अब अगर इक्वेटोरियल ना हो, एक्सियल ना हो, जैसे देखो ये डायपोल है बाबू, तो ये वाली लाइन तो हो गई एक्सियल, ये डायपोल है तो ये वाली लाइन हो गई इक्वेटोरियल। तो अगर एक्सियल ना हो, इक्वेटोरियल ना हो, अगर सेंटर से कोई थीटा एंगल पे आपसे पूछता हो, ठीक है, कि थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे थीटा एंगल है और पी पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसके लिए ये हमारा डेरिवेशन है। आप कंसीडर कर लें एक डायपोल, डायपोल ए बी है, डायपोल की लेंथ ऑलरेडी आप जानते ही हो 2a है। क्लियर है? और ये थीटा एंगल पे के पॉइंट पे, थीटा एंगल पे के पॉइंट पे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। समझ में आया? अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तो क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं। तो इसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा जो है वो किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, तो ये देखो ये अलोंग एक्ट कर रहा है, दिस इज दी पी वन कॉस थीटा, सॉरी पी कॉस थीटा नॉट पी वन, पी कॉस थीटा, ये पी कॉस थीटा हुआ और ये हो गया P साइन थीटा। समझिए मेरी बात, रिप्रेजेंट किया तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। तो ये वाला कंपोनेंट जैसे बनाते थे, ये वाला कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट P साइन थीटा। क्लियर है? तो P cos P साइन हो गया। अब ध्यान से समझना है कि P साइन थीटा जो है वो अलोंग है A2B2, दिस इज A2B2 एंड A2B2 इज परपेंडिकुलर टू A1B1। मतलब देखो ना, सीधा सा बात है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बस, और बीच में ये लाइन है, बस इसी को घुमा के आप देख लो। ठीक है? तो चलिए
क्लियर हुआ? P cos थीटा अलोंग A1 B1 है और P sin थीटा A2 B2 के अलोंग है, विच इज परपेंडिकुलर टू A1 B1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K, अब देखो क्या करना है, इस लाइन पे निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, समझो एक डायपोल को ऐसे लाए और उठा करके यहां पे इसको ऐसे अलाइन कर दिए, तो ये वाली लाइन बाबू हो गई एक्सियल और ये वाली लाइन हो गई इक्वेटोरियल। अगर डायपोल को उठा करके यहां रखो तो आप देखो ना, एक बार समझो ना, तो इधर हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या किया, एक्सियल वाला फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड, E1 नाम दे दिया, इधर वाले का नाम E1 दे दिया, क्लियर है? और ये देखो, अगर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E1 है, तो ये हो गया E1 cos थीटा और ये हो गया E1 sin थीटा, होगा कि नहीं होगा? इक्वेटोरियल और एक्सियल क्लियर है? तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, एक्सियल है तो पढ़ चुके हो कि E एक्सियल जो होता है वो होता था 2P अपॉन, ठीक है, 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो E एक्सियल cos थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली 2p cos थीटा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो यहां पे इसको समझ रहे हैं, लिख दिया हमने, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन इज KM, ठीक है, आ गई बात समझ में? इक्वेटोरियल लाइन क्या है, KM, और ध्यान से देखिएगा, दिस KM इज परपेंडिकुलर टू, समझो मेरी बात, दिस KM इज परपेंडिकुलर टू क्या, A2 B2, क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ई इक्वेटोरियल भी हम जानते हैं बाबू, ई इक्वेटोरियल जो होता है वो होता था P अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ई इक्वेटोरियल साइन थीटा हो जाएगा P साइन थीटा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट डायरेक्शन, यहां पे आप देख रहे हो, क्लियर है? अब यहां पे देखो, ये हो गया E1 cos, ये हो गया E1 sin, बीच में हो गया KM resultant। तो इसको क्या किया, इस सबको इस तरह से हम लोगों ने पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, पैरेललोग्राम बना दिया, और जब पैरेललोग्राम बन गया, याद करो क्या बोले थे कि कंसेप्ट यूज होगा बाबू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्स लॉ यूज कर लिए हैं, कूलम्स लॉ यूज कर लिए हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सिद्धांत, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम यूज हो गया यहां पे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम यूज हो गया, तो रिजल्टेंट देने का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, सिंपल सा रिजल्टेंट देने का फॉर्मूला था E = E1 E2। देखो अब इसको नाम दे दिए ना, इसको नाम दिए हम लोग E1, इसको नाम दे दिए E2, पर आप समझ लो कि E1 और E2 यही है, ठीक है ना। तो ये ना इसको थोड़ा सा E2 कर देते हैं। चलिए, तो यहां पे वैल्यू रखा, E1 की वैल्यू 2p cos थीटा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर, और इधर P sin थीटा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर, कॉमन पार्ट को आगे ले लिया, निकाल लिया अंडर रूट से, तो आपको यहां पे मिला P अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और अंडर रूट, देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या हुआ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखिएगा यहां स्क्वायर करके आप, तो 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा तो निकलेगा नहीं अंडर रूट से, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक किया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, सॉरी 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक किया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर है, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब देखो ये जो एंगल बना रहा था डायरेक्ट, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन भी दे देते हैं, तो ये वाला एंगल को हमने नाम क्या दिया, अल्फा। तो आप पढ़ चुके हो यार पैरेललोग्राम लॉ में कि अल्फा टेन अल्फा बराबर होगा LN अपॉन KL या KM अपॉन KL, ये सब वेक्टर के कंसेप्ट में बता चुके हैं। तो वैल्यू रख दिया P साइन थीटा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2p cos थीटा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, मैंने इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके दिखाया 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब से,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या बचा साइन बाई 2 कॉस थीटा, क्लियर है। तो टेन अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया 1/2 टेन थीटा, सो अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा, क्लियर है। इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से आप समझ जाइएगा, मैं अभी दिखाता हूं आपको, बस ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना, बहुत कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। अब सोचो, अब आप उस फिगर पे जाके देखो, अगर हम इसको ऐसे गिराएं, अगर हम इसको ऐसे गिराएं तो थीटा क्या होगा, कमता जाएगा कमता जाएगा कमता जाएगा, और जब इस ओबी से मिल जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और वही एक्सियल होता है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब यही हो गया ना आपका एक्सियल लाइन, ठीक है। अगर थीटा 0 हो गया तो देखिए ना, आप इसको ऐसे गिराओ, थीटा 0 तो यही एक्सियल लाइन हो गया, तो एक्सियल लाइन हो गया तो थीटा 0, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूला में बैठाइए, 3 cos 0 मतलब 3 cos 0 का वैल्यू 1 + 1, तो 3 + 1 4, अब 4 का अंडर रूट कितना होगा, देखो यहाँ पे इसको यहाँ से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 × 1 + 1 मतलब अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2p, क्लियर है। तो फॉर्मूला देखो, यही ना पीछे अभी निकाले थे पिछले लेक्चर में कि e बराबर क्या होता है, तो यही तो e है 2p/4π/0r³। केस 2, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब आप इसको खोलो ऐसे और खोलोगे 90 डिग्री, ऐसे होगा, ये ऐसे खुला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, तो लाइन कौन सी बन गई, लाइन बन गई इक्वेटोरियल लाइन, बन गई ना इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब कॉस 90 और कॉस 90 0, यहां पे रखो तो 3 × cos 90 मतलब cos 0, सॉरी cos 90 मतलब 0, तो 3 × 0 0, तो ये कितना मिला आपको, सिंपली p/4π/0r³, ये आ गया। सो आप अगर ये भी याद रखते हो ना, तो आपको सिंपली हो जाएगा, बस इतना समझ लेना है, एक्सियल मतलब थीटा बराबर 0, इक्वेटोरियल मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। अब बाकी कोई और एंगल है 40 45 50 60, वैल्यू आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के भी आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्लियर है। अब एक कंसेप्ट है, इसका कोई आपके सिलेबस में यूज नहीं, बस मैं सिंपली आपके नॉलेज के लिए बता दूं। दो डायपोल है बाबू, एक ये डायपोल है, डायपोल को मैं ना D1 से समझाता हूं, और ये एक दूसरा डायपोल है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को आप देख लो, यहां पे -q + q, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, इस अरेंजमेंट को क्वाड्रोपोल्स कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रोपोल्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में ना, क्वाड्रोपोल्स में नेट चार्ज क्या होगा, 0 पूरे सिस्टम का, आप देख लीजिए, देखो समझो मेरी बात, इसका देखो कैसे 0 होगा चार्ज, -q + q - q + q, सब कट करके कितना हो गया 0, तो क्वाड्रोपोल्स का टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है, क्वाड्रोपोल्स का ये ऐसा अरेंजमेंट क्वाड्रोपोल्स कहलाता है, 2 equal and opposite dipole consist a quadrupole, दो इक्वल डायपोल होगा, इक्वल अपोजिट। अब देखो डायपोल मोमेंट भी 0 होता है, करके दिखाते हैं 0, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी P, और इसमें क्या होता है निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी P, दोनों का सेम होगा, पीपी कैंसिल हो गया, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ क्वाड्रोपोल्स इज 0। ये जो कंसेप्ट है क्वाड्रोपोल्स का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 के सिलेबस में फिजिक्स में अभी नहीं है, ठीक है, पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में एटम एंड न्यूक्लियाई, तो वहां पे थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट ही है, कोई क्वेश्चन इससे वैसा आता नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है एटॉमिक न्यूक्लियाई में, ठीक है। अब देखो यहां तक हम लोग का डायपोल मोमेंट हो गया, 3 कंसेप्ट डायपोल के हो गए, एक कंसेप्ट अभी जो है इसका बचा हुआ है, और कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी, मतलब उस वो टॉपिक रहेगा और वहां टॉपिक खत्म करके हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और एक और क्वेश्चन आपको सीरीज मिलेगा, एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इन सब के अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो की सीरीज लेकर के आऊंगा क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कुछ मैसेज आए हैं उसके आधार पे मैं कल से, ठीक है, डीपीपी असाइनमेंट डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का सॉल्व करूंगा, और जो सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मैं 11th का भी एक टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आप करना चाहेंगे वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जिन्होंने बोला था कि उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नोट्स चाहिए, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो डाली गई है, आप उसको डाउनलोड कर लें और रखें। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोग रखते हैं। अब जो है मंडे या ट्यूसडे को एक लाइव क्लास भी हम लेंगे, जिस लाइव क्लास में आप लोगों को यहां तक अगर कोई भी डाउट हुआ है, ठीक है, तो आप उस लाइव क्लास में वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लें, समझ लें, और फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे लेके चलेंगे।